15 सितंबर को दो प्रमुख फिल्मों सिमरन और लखनऊ सेंट्रल का प्रदर्शन हुआ। रिलीज के पहले ही समझ आ गया था कि दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन खास नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों में इन फिल्मों को लेकर उत्साह ही नहीं था, और ऐसा हुआ भी। इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन देख यह बात तय हो गई है कि दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। आइए जानते हैं कि दोनों को कितना नुकसान होगा। पहले बात करते हैं सिमरन की। सिमरन 20 करोड़ रुपए में तैयार हुई है, 10 करोड़ प्रचार प्रसार और प्रिंट्स पर खर्च हुए। इस तरह से यह फिल्म 30 करोड़ रुपए में पड़ी। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 12 करोड़ रुपए में बेचे गए, संगीत 2 करोड़ और ओवरसीज राइट्स 1.5 करोड़ में बेचे गए। इस तरह से रिलीज के पहले ही 15.5 करोड़ रुपए आ गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुरक्षित रहने के लिए थिएटर से 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना था, लेकिन फिल्म जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उसे देख लगता है कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रुपए का होगा। इस तरह से सिमरन को लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं लखनऊ सेंट्रल की। लखनऊ सेंट्रल 22 करोड़ रुपए में तैयार हुई, प्रचार और प्रिंट्स पर 10 करोड़ खर्च हुए। इस तरह से फिल्म की कुल लागत हुई 32 करोड़ रुपए। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 14 करोड़ में बिके, संगीत 2 करोड़ और ओवरसीज राइट्स 1 करोड़ में बिके। इस तरह से रिलीज के पहले 17 करोड़ रुपए मिले। फिल्म को 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन सुरक्षित रहने के लिए करना है, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन 18 करोड़ के आसपास लग रहा है। इस तरह से फिल्म में लगभग 12 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।